फ्रेंड्स, मम्मी पापा की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हाथ से रोटी बनाएंगे जिसके साथ कोई चकले की जरूरत नहीं है, बेलन की जरूरत नहीं है, प्लेथन आटा लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इसका आटा लगा लें जैसे आप डेली घर में आटा लगाते हैं। आटे को अच्छे से गूंदें कि जिससे बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हो जाए। आटा तैयार है, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़े, फिर हम इसकी हाथ से रोटी बनाएंगे। आटे ने रेस्ट कर लिया, अब इसको हाथ से थोड़ा सा ऐसे चिकना कर ले जिससे कि रोटी बहुत ही ज्यादा मुलायम बनेगी। अब सबसे पहले हम दो लोइयां बना के रख लेंगे। दो लोइयां तैयार है, हाथ की थैली पे जरा सा ऐसे घी लगा लें और इसको लोई को ऐसे रख दें। अब इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लें अंगूठे की सहायता से। ऐसे ही दूसरी लोई को भी बड़ा कर लें। दोनों लोइयां बराबर बड़ी हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी स्प्रेड कर दें, हल्का सा लगा दें। हाथ से ऐसे कर लें जिससे कि चारों तरफ ये फैल जाएगा। अब ये दोनों, ये जो घी वाली साइड है, इनको दोनों को ऐसे आपस में मिला दें। अब इसको हाथ में ले लें और ऐसे करके धीरे धीरे करके ऐसे बड़ा करें इसको। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, अब हम इसको हाथ से ऐसे कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा बढ़िया और खस्ता रोटी बनती है। तवा मैंने गर्म करके रखा हुआ, अब इसके ऊपर डाल दें। अब ऐसे रोटी के ऊपर छोटे छोटे बबल्स आने शुरू हो गए, अब इसको ऐसे आप टर्न कर लें। दोनों साइड से बराबर टर्न करके अच्छे से सेक लें। जैसे जैसे ये रोटी सिकती जाएगी वैसे वैसे आप देखना इसकी ये सारी लेयर्स खुलती चली जाएंगी। रोटी दोनों साइड से तवे पर बहुत अच्छे से सिक गई है। अब हम इसको तवा हटाकर गैस पर सेकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम हरे मटर की सब्जी बना रहे हैं जिसके लिए मैंने मटर को अच्छे से धो लिया है। एक गिलास पानी गर्म किया है। सबसे पहले मटरों को आप इस गर्म पानी में डाल के ढक के रख दें, तब तक हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। घी गर्म हो गया, जीरा डाल दें, हरी मिर्च और अदरक, टमाटर प्यूरी डाल दें, नमक, मिर्च, हल्दी, हींग, धनिया पाउडर एंड चाट मसाला। मसाला बहुत अच्छे से सीख गया। अब जो ये हमने मटर गर्म पानी में डाल के रखे हुए इनको डाल देंगे। मटर की सब्जी को प्रेशर कुक करेंगे। सब्जी बहुत अच्छे से पक गई है, मैंने इसको हाई फ्लेम पर 2 सीटी दिलवाई है। इसमें गरम मसाला और धनिया पत्ती डालेंगे, फिर इसको सर्व करेंगे। शानदार मटर की सब्जी बनकर तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम धनिया की चटनी बना रहे हैं जिसके लिए मैंने धनिया की पत्तियां उसके अंदर डाल दी हैं, टमाटर छोटा छोटा चॉप करके डाल दिया और हरी मिर्च भी डाल दी है। और इसके साथ मसाले डालूंगी मैं, काला नमक, सफेद नमक, धनिया पाउडर, सौंठ पाउडर, चीनी, अमचूर, चाट मसाला और हींग। इन सबको मिलाकर मैं मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर दूंगी और फिर हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें सारे मसाले भी साथ ही डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी डालूंगी, ब्लेंड करूंगी और बस चटनी तैयार है। थोड़ा सा पानी डालें। शानदार धनिया की चटनी बनकर तैयार है। आप इसको बनाएं, खाएं और मम्मी पापा की रसोई को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।